नमस्कार दोस्तों, आपके इस एपिसोड को दिखाने के लिए हमें बड़ी ही उत्सुकता थी और आपके सामने जो प्रदर्शित करने जा रहे हैं वो आपको विदित है। ये चंद्रयान 3 LMB-3 Mark 4 जो हमारे चंद्रमा पर उतरने जा रहा है, जिसका पूरा हिंदुस्तान को नहीं बल्कि पूरे विश्व को बेसब्री से इंतजार है। अतः कल उतरने से पहले इसके बारे में आपको क्रमबद्ध तरीके से हर दिन क्या क्या हुआ। जैसा कि आपको मालूम है, इसरो ने डंके की चोट पर सारे डेट का अनाउंस करते हुए और किस दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या टेक्नोलॉजी है, कितनी परिक्रमा पृथ्वी की करेगा, कितनी चांद की करेगा, कितने स्पीड से जाएगा, कब उतरेगा, सब बताते हुए, जबकि एक बहुत ही सीक्रेट मिशन होता है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आज तक किसी देश ने अपने मिशन के बारे में किसी को न बताया न दिखाया। इसका क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने मैं प्रदर्शित करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, July 6, 2023 को ये इसरो ने बताया, द लॉन्च इज शेड्यूल्ड फॉर July 14, 2023 at 14:35 hours। ये एक मीटिंग की गई और उसके लिए तैयार किया गया और डिक्लेयर किया गया कि 14:35 पर, यानी 2:35 पर दिन में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार ये हमारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च होने जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे 7 जुलाई को, July 7, 2023, व्हीकल इलेक्ट्रिकल टेस्ट कंप्लीटेड, सिटीजन्स आर इनवाइटेड टू विटनेस द लॉन्च फ्रॉम द लॉन्च व्यू गैलरी एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा बाई रजिस्टरिंग एट हियर। यहाँ पर रजिस्टर करके अपना नाम श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर में पूरे विजिटर्स को, जो विटनेस देखना चाहते हैं, इच्छुक हैं, सबको इनवाइट किया गया कि आप 14 तारीख को यहाँ आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है 11 जुलाई 2023, लॉन्च रिहर्सल 11 तारीख को लॉन्च का रिहर्सल किया गया, सिमुलेटिंग द इंटायर लॉन्च प्रिपरेशन एंड प्रोसेस लास्टिंग 24 आवर्स हैज बीन कंक्लूडेड। 24 घंटे के अंदर क्या होने वाला है और क्या कमी होगी या क्या नहीं होगा, जैसे कि हम 26 जनवरी परेड का रिहर्सल कराते हैं 23 को, इस तरह से 11 जुलाई को पूरा कंप्लीट रिहर्सल किया गया एक्सेप्ट लॉन्चिंग। इसके बाद July 14, 2023 को LVM-3 M-4 व्हीकल सक्सेसफुली लॉन्च्ड चंद्रयान 3 इनटू ऑर्बिट। ये 14 जुलाई को सबके सामने, सबके प्रत्यक्ष रूप से इसको लॉन्च किया गया और जिसका सभी ने देखा। इसके बाद आता है July 15, 2023, द फर्स्ट ऑर्बिट रेजिंग मैनिवर अर्थ बाउंड फायरिंग 1। 15 जुलाई को उसको फायर करके उसकी रेंज को बढ़ाया गया, जो अंडाकार रेंज में आपको पहले भी एपिसोड में आपने टीवी में भी देखा होगा, जो पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा हमारा चंद्रयान 3, उसका रेंज बढ़ाया गया और इस रेंज को बढ़ाते बढ़ाते कई बार फायरिंग करके और परिक्रमा करते हुए ये तब तक बढ़ाया गया जब तक चांद के ऑर्बिट के नज़दीक न चला जाए। इसके बाद 17 जुलाई को सेकंड ऑर्बिट रेजिंग मैनीवर परफॉर्म, 17 जुलाई को दूसरा उसको फायर किया गया मैनीवर के लिए और रेंज को बढ़ाया गया। इसके बाद आ गया July 22 को, जो फोर्थ ऑर्बिट रेजिंग मैनीवर, 22 जुलाई को चौथा इसी तरह का ऑर्बिट को बढ़ाने वाला ऑर्बिट रेजिंग मैनीवर अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग इज कंप्लीटेड। वो July 22 को क्या क्या हुआ इसरो एक एक क्रमबद्ध तरीके से सारी दुनिया को बताते गया और इसीलिए बेसब्री से पूरा इंतजार है कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद 25 जुलाई को ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर परफॉर्म्ड अगेन, 25 जुलाई को ऑर्बिट को बढ़ाने वाला, पृथ्वी के कक्षा से बहुत दूर तक ले जाने वाला सर्किल
जो पेरिफेरल होता है उसको बढ़ाने का काम किया गया। इसके बाद 1 अगस्त को ट्रॉप्स इज इंसर्टेड इनटू द ट्रांसलूनर ऑर्बिट, ये चंद्रमा के ऑर्बिट के करीब ये 1 तारीख को वो जाने के लिए पहुंच गया। इसके बाद आता है 5 अगस्त को चंद्रयान 3 इज सक्सेसफुली इंसर्टेड इन टू द लूनर ऑर्बिट। 5 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 लूनर ऑर्बिट यानी चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया, जिसका हमको जानकारी दी गई। इसके बाद 6 अगस्त को एलबीएन 2 इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, द स्पेस क्राफ्ट इज इन 170 किलोमीटर इंटू 4313 किलोमीटर ऑर्बिट अराउंड द मून। इतना रेंज में 170 किलोमीटर की कम से कम दूरी, चंद्रमा से कम दूरी उनकी 170 किलोमीटर और अधिक से अधिक दूरी 4313 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंच गई। इसका चंद्रयान 3 का वीडियो भी द मून एज व्यूड बाय चंद्रयान 3 ड्यूरिंग ल्यूनर ऑर्बिट इंसर्शन, जैसे ही वो वहाँ पहुंचा उसका चित्र दिया गया और चंद्रमा का तस्वीर कैसी है उसने खींचा और खींच के सारी दुनिया को भेजा, जो हिंदुस्तान के इसरो ने सबके सामने प्रकाशित किया। इसके बाद चंद्रयान 3 9 अगस्त को चंद्रयान 3 ऑर्बिट रिड्यूस्ड टू 174 किलोमीटर इंटू 1437 किलोमीटर फॉलोइंग मैनिवर परफॉर्म्ड ऑन अगस्त 9। अगस्त 9 को उसको रेंज को घटाया गया 174 से इंटू 1437 किलोमीटर, यानी चंद्रमा से हमारे चंद्रयान 3 की दूरी 174 किलोमीटर से कम और अधिक से अधिक 1437 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट स्टेप किया गया 14 अगस्त 2023 द मिशन इज इन द ऑर्बिट सर्कुलाइजेशन फेज, द स्पेस क्राफ्ट इज इन 151 टू 179 किलोमीटर ऑर्बिट। जो आपने अभी पहले देखा कि ये ऑर्बिट में था 174 किलोमीटर से 1437 किलोमीटर दूरी, अब ये दूरी हो गई 151 से 179 किलोमीटर ऑर्बिट में ये पहुंच गया। इसको आना है करीब करीब 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में। इसके बाद आया 16 अगस्त को हमारा ये चंद्रयान मिशन स्पेस क्राफ्ट इज इन एन ऑर्बिट 153 इंटू 163 किलोमीटर आफ्टर द फायरिंग ऑन अगस्त 16। ये आपको सारा चीज देखने से पता चल रहा होगा कि कितना स्लोली और आराम से धीरे धीरे हमारा स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा के परिक्रमा के जो निर्धारित परिक्रमा है उसके में आने में कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है, आराम से आ रहा है। इसके बाद 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल इज सक्सेसफुली सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोपल्सन मॉड्यूल डी बूस्टिंग प्लांट फॉर अगस्त 18 2023। 17 अगस्त को बहुत बड़ा काम हुआ, जो लैंडर मॉड्यूल जो हमेशा ही चंद्रमा की परिक्रमा करता रहेगा उसको उससे और प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो गया, लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया और प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग हो गया। प्रोपल्सन मॉड्यूल पूरी चंद्रमा की परिक्रमा करता रहेगा और जैसा कि आपको पता है कि चंद्रयान 2 जिसके बारे में पिछले 4 साल से कोई जानकारी नहीं थी और उसकी लाइफ भी करीब निर्धारित थी 4-6 महीना या 1 साल, वो आज तक भी जीवित हो गया और 4 साल के बाद उसने उसी टाइम चंद्रयान 3 को जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है और लैंडर मॉड्यूल सबको स्वागत किया और उसने एक मैसेज भी हिंदुस्तान के अपना स्पेस इसरो को भेजा कि वेलकम बडी करके, बडी मतलब दोस्त है, दोस्त आपका स्वागत है, ऐसा करके मैसेज भेज दिया चंद्रयान 2 ने। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। अब 19 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल इज इन 113 किलोमीटर इंटू 157 किलोमीटर, उसकी कक्षा और भी लैंडर मॉड्यूल की कक्षा और भी रिड्यूस हो गई और 113 किलोमीटर जो 157 किलोमीटर था
मिनिमम वो 113 किलोमीटर, मैक्सिमम 157 किलोमीटर हो गई। इसके बाद 20 तारीख को सबसे बड़ा काम किया, द लैंडर मॉड्यूल इज इन 25 किलोमीटर एंड इनटू 135 किलोमीटर ऑर्बिट, पावर डिसर्शन इज एक्सपेक्टेड टू कमेंस ऑन अगस्त 23। इस तरह से अब उसका स्पीड भी कम करते हुए 25 इंटू 130 किलोमीटर की ऑर्बिट में ये प्रवेश कर गया। अब आप देखेंगे LMV-3 मार्क 4 चंद्रयान 3 मिशन, लाइव टेलीकास्ट ऑफ सॉफ्ट लैंडिंग बिगिंस एट 17:20 आवर्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑन अगस्त 23, जिसका बेसब्री से हमारे पूरे देश को इंतजार है। इसके बाद की जानकारी और रशिया का लूना 25 मिशन क्यों फेल्योर हुआ, क्या कारण था, उसका सारा चर्चा अगले एपिसोड में करूंगा। आशा है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ एक बेल आइकन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।